नमस्कार, मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। जनपद हरोई के बहटी खुर्द गांव पहुंचा शहीद सत्यम पाठक का पार्थिव शरीर। आपको बताते चले कि 16 अक्टूबर को लेह लद्दाख में सत्यम पाठक तापमान की विषम परिस्थितियों में शहीद हो गए थे। सोमवार को शहीद का पार्थिव शरीर आर्मी के वाहन से गांव पहुंच गया। शहीद हरदोई जिले के बहटी खुर्द गांव निवासी सैनिक सत्यम पाठक का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पर पहुंचा। सत्यम पाठक का पूरा गाँव देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। सुबह शहीद का पार्थिव शरीर जैसे ही घर पहुंचा, उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। सत्यम पाठक की माता और पत्नी रामलली शव से लिपट कर बिलखने लगी। बेलग्राम मल्लावास विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि नीरज विद्यार्थी माधोगंज नगर पंचायत अध्यक्ष अनुराग मिश्रा सलीम अंसारी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने परिजनों को धांधस बनाया। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं पूरा गांव देशभक्ति के नारों से गूंजा। शहीद के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान जब तक सूरज चांद रहेगा सत्यम पाठक तेरा नाम रहेगा और देशभक्ति के नारे लगाए। शहीद सत्यम पाठक लेह लद्दाख में तैनात हैं। लाइव टीवी समाचार के लिए हरदोई से चंदगी राम मिश्र की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।